चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं हमारा भिंडी मसाला कैसे बना हुआ है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारी जो भिंडी मसाला है वो बनके तैयार हो चुकी है। देखिए कितना अच्छा कलर आया हुआ है। अब हम इसे प्लेट में निकाल देते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर देंगे धनिया, हरा धनिया। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चलिए दोस्तों अब मैं इसे प्लेट में निकाल के आपको दिखा देती हूँ। बंद करो। ये देखिए दोस्तों जो हमारा भिंडी मसाला है वो बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए दोस्तों जो हमारा भिंडी मसाला है वो बन के तैयार हो चुका है। देखिए कितने अच्छे कलर आए हुए हैं और दिखने में भी ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो खाने में भी तो नहीं जान दो। ये देखिए हमने इसे खाने में भी बहुत टेस्टी होगा, टेस्टी होएगा ऐसा बोल नहीं वो छोड़ जान दो। ये देखिए दोस्तों जो हमने इसे हमने ये देखिए हमने इसे प्लेट में निकाल लिया है। देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया हुआ है और दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। एक बार आप भी जरूर बनाइएगा और बताइएगा दोस्तों कमेंट में कि कैसा बना। उसके बाद मैं आपको तो दोस्तों अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो अच्छी हाँ एक मिनट तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तुम सुनो दो नहीं तो तुम क्या अलग बोलो। ये देखिए दोस्तों जो हमारा भिंडी मसाला है वो बनके तैयार हो चुका है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है और दिखने में भी बहुत ही टेस्टी लग रहा है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।